गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अयांश मम्मा ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30 और इधर मैं बना रही थी खाना। तो आज मैंने खाने में बनाया था छोले की सब्ज़ी, और चावल मैंने बना लिए थे अभी थोड़ी देर पहले, बना के रख दिए हैं। और भगोने में रखा हुआ था मैंने दूध उबलने के लिए, जो कि गर्म हो चुका है। और रोटी सेकने के लिए है, वो रोटी मैं बाद में सेकूँगी जब तक ये सब्ज़ी बन जाएगी। और इधर मैंने लगा रखी थी मशीन, तो जो कि मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो कुछ कपड़े ये मेरे सूख गए हैं, कुछ अभी धुल रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, सुबह नहाने से पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। और वैसे तो मैं ज़्यादातर शाम को ही धोती थी। और इधर बर्तन भी इतने सारे पड़े हुए थे, सिंक भरी थी क्योंकि सुबह 8 बजे नाश्ता बनाया था, तो वो बर्तन पड़े हुए थे। और कुछ अभी चावल भी बनाए थे, तब ये बर्तन भी साफ़ करके रख दूँ। अब गर्मी इतनी ज़्यादा होने लग गई है, इस वजह से मैं नहाने से पहले ही अपना सारा काम निपटा देती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं नहाती हूँ। और इधर कूलर लगाया था मैंने, एक हफ्ते पहले ही लगाया था कि कभी कभी दिन में चला लिया करेंगे, लेकिन अब चलाते नहीं हैं। तो इसमें पानी भरा हुआ था, अब पानी इसमें भरा रहेगा तो मच्छर पल जाएंगे। तो ये सुबह बोल के गए थे इसका पानी खाली कर देना, तो वही मैं पानी निकाल रही हूँ। तो इसका सारा पानी निकाल दूँगी और सुखा के फिर इसको मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि एसी चलाती हूँ तो इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये आवाज़ भी काफ़ी करता है, तो इस वजह से इसको नहीं चलाती हूँ। वैसे कभी कभी चला लेते थे, लेकिन अब बिल्कुल बंद कर दिया इसको चलाना। खाना लेके आती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे अयान ने अभी नहीं खाया, तो ये मेरे साथ ही खाएगा। अयान कुछ कह रहा है। तो अभी थाली लग गई है मेरी, जो मैंने आज बनाए थे छोले, चावल और रोटी। आ जाओ खाना खिलाऊँ, आओ जल्दी आओ। चलो मम्मा खिला देगी, चलो मम्मा खिलाएगी ना। अब इसको तसल्ली नहीं हो रही है, खिला दो इसको। अयान को मैंने सुला दिया है, तो ये खाना खा के सो गए हैं। अभी ये सोएगा, करीब 2 घंटे तक ये सोएंगे, क्योंकि अब कोई आवाज नहीं आ रही है। नहीं तो मेरा अयान बहुत ज्यादा शोर करता है, कुछ सुनने नहीं देता है। आपने देखा होगा अभी खाना खा रहा था, कितनी ज्यादा शोर कर रहा था ये। तो अभी मैं लेके बैठी थी, तो मुझे बनानी है लिस्ट, जो कि मुझे घर के लिए कुछ सामान लेके आना है। तो एक तो मुझे लाने हैं घर के लिए नए पर्दे, जो कि मुझे करीब 4-5 पर्दे लाने हैं, जो कि अलमारी में लगाना है, खिड़की में लगाना है और हॉल में लगाना है, और जो ये गेट है तो इस पर दरवाजे पे भी लगाना है। तो ऐसे करके मुझे पर्दे लाने हैं। वैसे तो पर्दे रखे हुए लेकिन वो पुराने हो चुके हैं, तब मुझे नए पर्दे लाने हैं। और घर का भी कुछ सामान ख़त्म हो रहा था, तो वो सामान भी मुझे लाना है, राशन का। और किचन के लिए भी लाने हैं, जो किचन के मेरे डब्बे थे वो डब्बे भी पुराने हो गए हैं, तो डब्बे भी मुझे नए लाने हैं। तो ऐसे करके वही मैं लिस्ट बना रही थी कि मुझे क्या क्या लेके आना है। क्या होता अगर एक लिस्ट बना लूँ तो आप अगर जाते हो वहाँ सामान लेने, तो फिर याद रहता कि हाँ मुझे ये सामान लेना है। और अगर ऐसे ही आप चले जाओ ना, तो कभी कुछ ले आते हो, कुछ भूल जाते हो। और मेरे साथ भी यही होता है, मैं बेसक लिस्ट बना लेती हूँ, फिर भी मुझे बाद में याद आता है कि ये चीज़ रह गई है। तो आज मैं तसल्ली में आराम से बैठ के देखती हूँ मुझे क्या क्या सामान लाना है। और ये वीक चल रहा है अयान के बर्थडे का, जो कि अयान का बर्थडे आने वाला है। तो अयान के बर्थडे के अभी 1 हफ्ता ही रह गया है, तो उसकी भी कुछ तैयारी करनी है। तो बस वही मैं बैठी हुई थी, मैंने कि अभी कर लेती हूँ, और नहीं तो अयान उठ जाता है तो करने नहीं देता है। तो मैं अपनी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद देखूँगी इनको कब टाइम लगेगा। तो जब टाइम निकाल के हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए, तो जब अयान की शॉपिंग करके लाएंगे और अपने घर के लिए शॉपिंग करके लाएंगे, तो बस फटाफट बना लेती हूँ अपनी लिस्ट जो मैं। Thank you.
मैंने इधर चाय बनने को रख दी है, तो चाय बन रही है मेरी। तभी टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं शाम के, और वैसे तो मैं चाय 4 या 5 बजे बनाती हूँ, लेकिन आज ये आए नहीं थे तो ये भी लेट आए हैं, तो मेरी चाय इस वजह से आज लेट हो गई है। तो अब बन रही है, तो अब चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी अपना खाना। हाँ जी, क्या हुआ बोलो, कितना भी मैं चुप रहूं और फिर भी अयान आ ही जाता है कुछ ना कुछ बोलने के लिए बीच में। चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी अपना रात का खाना। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा है। कमेंट करा करो, क्योंकि कमेंट करोगे जब ही मुझे पता लगेगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी है क्या नहीं है, आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अयांश मम्मा ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।